मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस मी अजित अनंतराव पवार अजित दादा ने इस्तीफा दिया है अजित दादा हमारे साथ है। हम सरकार नहीं बनाएंगे हम इस्तीफा देंगे डेफिनेटली उद्धव ठाकरे साहब अगले मुख्यमंत्री होंगे। नमस्कार, दिन की सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। R9 टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और मेरे पीछे आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं यह है महाराज की सियासी, वो समीकरण जो दो पवार, एक अजीत पवार और एक शरद पवार दोनों साथ आए और मिलकर बना दी सरकार। बेशक महाराज की राजनीति में बीते 32 दिनों में जबरदस्त उठा पटक देखने को मिली। रातों रात बीजेपी की सरकार भी बन गई। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को लेकर तकरार पहुंच गई। विधायकों की परेड भी की गई। लेकिन इस सब के बीच अब महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार के नंबर अजीत पवार के इस्तीफे के साथ ही कम हो गए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र सरकार गिर गई। लेकिन इस सब के बीच तमाम सवाल भी आते हैं, जैसे बीजेपी से चूक कहां हुई, क्यों बिना फॉर्मूले के बीजेपी सरकार बनाने के लिए चल पड़ी थी। बहरहाल इन सब सवालों के जवाब के लिए ही अगला एक घंटा हमारे पास बहस के लिए मौजूद है। तमाम मेहमान जो हैं वो हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर रोशनी डालती हुई ये ताजा रिपोर्ट जरा देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में इतना बड़ा यू टर्न कभी नहीं देखा गया। रात के अंधेरे में बनी बीजेपी की सरकार बामुश्किल 3 दिन ही चली और फ्लोर टेस्ट के ठीक एक दिन पहले ही पार्टी को हथियार डालने पड़ गए। अजीत पवार के दम पर बहुमत साबित करने का दावा कर रही बीजेपी का साथ पहले अजीत पवार छोड़कर चले गए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने हथियार डाल दिए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। पहले अजीत पवार का विकेट गिरा और उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी हिट विकेट हो गए। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़े ट्विस्ट के साथ ही दूसरी तरफ कल तक एनसीपी के लिए नासूर बन चुके अजीत पवार अब शिवसेना और एनसीपी को अच्छे लगने लगे। संजय राउत दिल खोलकर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। अजीत दादा ने इस्तीफा दिया है, अजीत दादा हमारे साथ है। देवेंद्र फडणवीस के मैदान छोड़ने के साथ ही विपक्ष का रास्ता साफ हो चला है। मुख्यमंत्री की राह पर उद्धव ठाकरे को भेजने की तैयारी शुरू हो गई है और शिवसेना दावा करती नजर आ रही है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम बनने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार हैं। 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का वक्त दिया, लेकिन सुप्रीम फैसले के साथ ही महाराष्ट्र के नंबर गेम में जबरदस्त उथल पुथल हो गई। अजीत पवार के साथ छोड़ने के बाद ही बीजेपी के सरकार बनाने की उम्मीदें खत्म हो गई। देवेंद्र फडणवीस का किला धराशायी हो गया और मात्र 80 घंटे में बीजेपी की सरकार गिर कर रह गई। लेकिन सबके बीच कयास अब भी कायम है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 3 अलग विचारधाराओं की पार्टी सरकार कब तक बना पाएगी और बना पाएगी तो कितने दिन कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी। और अब रुक करते हैं सवालों का। इस पूरे जो घटनाक्रम है, सियासी घटनाक्रम जो हुआ, उसके बाद सवाल क्या खड़े होते हैं, बीजेपी से सरकार बनाने के फॉर्मूले में चूक कहां हुई, विधायकों का समर्थन लाने में अजीत पवार नाकाम हुए क्या, वाकई नाकाम हुए, अजीत पवार पर फिर कितना भरोसा करेगी एनसीपी, ये भी एक बड़ा सवाल, कितनी कामयाब होगी महाराष्ट्र की तिगड़ी सरकार। इसके अलावा सवाल यह कि सरकार गिरने के पीछे गलती किसकी। तो अब सवाल दरअसल बहुत बड़ा यह है कि पवार प्लस पवार बन गई सरकार,
या पवार प्लस माइनस पवार ये सरकार बनने जा रही है, इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। पूरा दिन ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, संविधान दिवस भी आज था, संविधान की कितनी लज्जा आज बची, सारी बातों का जिक्र करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस वक्त अनिल मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल जी हमारे साथ, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अश्विनी दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आपका R9 TV पर। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अनिल मिश्रा जी, ये मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि दरअसल हमारी जो हेडिंग है वो पवार प्लस पवार बन गई सरकार, क्या वाकई पवार प्लस पवार सरकार बनने जा रही है या फिर पवार माइनस पवार ये सरकार होगी? नहीं देखिए, जो सीन है उसको आप पवार प्लस एक पवार कहें या दो पवार कहें, चार पवार कहें, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा इसमें सुधार करने की गुंजाइश है, मैं कह सकता हूं कि पवार एक ही है जिसके पास पावर है। ये शायद समझने में गलती हो गई, वो चाहे आप बीजेपी के नेताओं को समझ लें या हम आम मीडिया वाले, या जो अभी पिछले 3 दिनों से जिस तरह का कैलकुलेशन चल रहा था, जिस तरह की मीडिया में चर्चा हो रही थी और पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक उठापटक का दौर चला, तो कहीं ना कहीं समझने में गलती हुई। पवार एक पावर है और वो पावर केवल और केवल बड़े साहब जिन्हें कहा जाता है वो शरद पवार है। ये बिल्कुल सच है कि शरद पवार की जो राजनीति है, शरद पवार जिस तरह से जितने एक्सपीरियंस लीडर हैं कि पूरा देश उनकी राजनीति का लोहा मानता है, और यहां पर मुझे लगता है शायद भाजपा से गलती हो गई। उन्होंने कर्नाटक के जो दोबारा सरकार बनी भाजपा की, वो जो सिचुएशन खड़ी हुई उसको दोहराने का प्रयास किया, और जो मैंने समझा कि सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये गलती हो गई कि उन्होंने शरद पवार की तुलना सिद्धरमैया जी से कर ली। वो नहीं समझ पाए कि अजीत पवार क्या है और शरद पवार क्या है, जो इतने बड़े गड्ढे में शायद उन्होंने छलांग लगाई। जब छलांग लगा दी तो वापस आने में जो रिजल्ट हुआ वो आपके सामने देखने मिला। अब एक बात और कहना चाहूंगा कि राजनीतिक बातें तो अपनी जगह है, लेकिन यह बिल्कुल सिद्ध होता है हमारे देश में, इसके पहले भी इस तरह की बहुत बड़ी घटनाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन हम आपको यह बता दें कि राजनीति, भारतीय राजनीति के इतिहास में जो पिछले 3 दिन का 4 दिन का इतिहास लिखा जाएगा, निश्चित रूप से एक काला अध्याय के रूप में होगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि जैसे हर मौके पर सुप्रीम कोर्ट आगे आया है और हमारे संविधान की धज्जियां उड़ने से हमेशा बचाया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत छोटे चैप्टर के रूप में एक उस काले अध्याय का अंत किया है। मैं एक पत्रकार होने की हैसियत से इतना कह सकता हूं। ठीक है, विपिन शर्मा जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी पत्रकारिता वाली नजरिए से ये बताइए कि आपने, इन्होंने कहा कि काला अध्याय था ये पिछले 3-4 दिन जो हुआ, ये काला अध्याय अभी हुआ, अब तो ऐसा लगता है कि काले अध्यायों से पन्ने जो हैं वो पटे पड़े हैं, ये कोई नई चीज नहीं हुई है, और सरकार बनाने की कवायद बीजेपी के लिए इसलिए भी सूट कर रही थी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके पास कहने को ये था कि मैंडेट तो दरअसल हमें मिला था, बहुत सा वक्त हमने दिया, लेकिन जब बावजूद उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, इतना वक्त ले लिया, महाराष्ट्र की जनता को सरकार चाहिए थी। लेकिन यहां मैं ये समझना ये भी चाहूंगा, दरअसल दो मराठा जो क्षत्रप हैं उन्होंने मराठियों को तो बेवकूफ बनाया और आपस में फिर एक हो गए। कांग्रेस जो कि लगातार शिवसेना को कट्टर हिंदुत्व के अखाड़े में घेरती नजर आती थी, वो कट्टर हिंदुत्व की पिच पर खेलने लगी, शिवसेना कांग्रेस के एजेंडे पर आ गई, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने NCP जो नेचुरल करप्ट पार्टी थी उसके साथ गठजोड़ सा कर लिया। ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र का एक सुनहरा दिन भी है, क्योंकि यहां पर हम सब एक हैं इसकी भी मिसाल देखने को मिली, हम एक जैसे ही हैं, हम सब एक हैं, इसको किस नजरिए से देखेंगे आप? देखिए, बार बार हम लोग जब बात करते हैं महाराष्ट्र की, साथ में हम कर्नाटक को जोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप कर्नाटक को जोड़ रहे हैं तो हमें साथ में जो है मद्देनजर एक और बात रखनी है कि दोनों राज्यों में भाजपा जो है उभरी थी सबसे ज्यादा सीटें लेकर, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, तो ये सबसे पहला उनका हक बनता है, तो देखिए स्वाभाविक है, ये तो अगर कांग्रेस भी होते तो पहला उनका हक बनता और हक जमाते। उसी तरह से अगर आप देखें कर्नाटक में नाटक हुआ, कर्नाटक में नाटक हम सिक्के का एक पहलू देखें तो चर्चा अधूरी रहेगी। देखिए सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कर्नाटक में जब सार्वजनिक हुई कि वहां मुख्यमंत्री बार बार रो पड़ते थे बच्चों की तरह, और क्या कारण था, कौन थे उनके गठबंधन में साथ में, क्या कारण रहा था, वो देखिए सबको जग जाहिर है, सबको पता है। उसी तरह से आप महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए चर्चा, ये मामला शुरू कहां से हुआ, मामला शुरू हुआ पुत्र मोह से, क्योंकि
देखिए कोई भी समझ सकता है, उसमें ये नहीं कि आपको कोई पॉलिटिकल पंडित होना है कि आप समझें तय तक जाने के लिए कि क्या कारण था कि ऐसा प्री पोल अलायंस कोई नहीं था कि जहां पर भाजपा ने ये शिवसेना के साथ रोटेशनल सीएम का या 50-50 का कोई अरेंजमेंट करा था। देखिए उनके नाम पे फडणवीस के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा कि ये मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद आपने आदित्य ठाकरे को उतारा और रोड शो में आपने बोला भावी मुख्यमंत्री, वहां पर संजय राउत फैक्टर आते रहे, ज्यादा अड़ियल रवैया तो उद्धव ठाकरे से संजय राउत का था। उसके बाद इन्होंने देखिए आज ये आलम है कि पहले आपको जितने उनके अवगुण दिखते थे, नुक्ताचीनी निकालते थे शिवसेना कांग्रेस के और एनसीपी के, आज उल्टा हो गया, आज कहते नहीं हम बिल्कुल साथ हैं। तो यही राजनीति है, देखिए राजनीति है ये। उसी तरह से मैं एक बात इसमें जरूर बोलना चाहूंगा, देखिए भाजपा ने जो अगर गलती करी है, भाजपा की सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि उन्होंने अजीत पवार पे भरोसा कर देखिए दो जो विकल्प थे क्या होता अगर जनता ने वोट जब दिए और इनका क्या दायित्व बनता था सारी पार्टी का। ये गलती है या बेवकूफी है? ये गलती है या बेवकूफी है? बेवकूफी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पकड़कर उन्होंने सोचा कि हम नैया पार लगवा देंगे। नहीं देखिए मैं उसी में आ रहा हूँ, देखिए चारों पार्टियों का दायित्व बनता था, यहाँ पर पार्टियां तो और भी थी चार, तो चारों पार्टियों का दायित्व ये बनता था कि वो एक स्थायी सरकार दें और जनता को भी उसकी अपेक्षा थी, लेकिन कारण क्या हुआ वो उसमें असमर्थ थे सारे के सारे। उसके बाद विकल्प क्या बचता, या तो राष्ट्रपति शासन लगता है दोबारा चुनाव होते, वो भी हित में नहीं होते किसी के, आर्थिक मंदी का दौर वैसे ही चल रहा है, वो भारी नुकसान कर देते सबका। उसी तरह से अगर देखिए विकल्प के तौर पर अगर उन्होंने सोचा, देखिए सोच तो कोई भी कर सकता है, समय तो इनको भी मिला था, इन्होंने मुकुल रोहतगी ने क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने बोला 17 दिन उन्होंने सरकार क्यों नहीं फॉर्म करी, क्यों नहीं गठन करा सरकार का, एनसीपी ने शिवसेना ने और कांग्रेस ने। उसी तरह से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब देखिए जब इनको समय मिला गया और अगर इन्होंने कोशिश करी अजीत पवार के साथ, गलती क्या करी और बेवकूफी क्या करी कि अजीत पवार पे आपने एतबार ये कर दिया कि वो समर्थन लेके आ गए जबकि उनके गुरु दूसरा रवैया लेके बैठे थे। यहां पर देखिए दूसरी थ्योरी जो चल रही थी बार बार जिसकी मुझे ये समझाइए कि दरअसल बीजेपी ने अजीत पवार साहब का करियर खराब कर दिया या अजीत पवार साहब ने बीजेपी की नैया डुबो दी उसका करियर खराब किया? किसी ने किसी का करियर खराब नहीं करा, बिल्कुल नहीं। उसका कारण यह है कि एनसीपी और जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र तक सीमित है, जबकि आप अगर बात करें कांग्रेस की और भाजपा की तो वो पूरे देश में है, ये तो सबको पता है। और चलिए इस वक्त संजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। संजय द्विवेदी जी बहुत बहुत बधाई हो पहले आपको, आपकी सरकार बनने जा रही है, पहला शिव सैनिक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, बाला साहब ठाकरे की फैमिली से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बताइए कि कुछ बातें हैं, वैसे आपको बधाई मैंने दे दी है और कल शिवाजी स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की वो शपथ भी ले सकते हैं और आपसे कुछ देर बाद वो राजभवन में पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। नवाब मलिक ने भी कह दिया है कि उद्धव ठाकरे ने ये मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि हमारे साथ अभी विपिन शर्मा जी हैं, ये कह रहे थे कि कर्नाटक का नाटक तो आपने देखा होगा, किस तरीके से मुख्यमंत्री आंसू बहाया करते थे, वहां तो सिर्फ कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बन रही है, यहां तो तीन पहियों की सरकार बनने जा रही है और उद्धव ठाकरे तो बहुत कोमल स्वभाव के नजर आते हैं, आंसू क्या हमें देखने को मिलेंगे उद्धव ठाकरे की आंखों में? कैसे चलेगी आपकी तीन पहिए की गाड़ी? देखिए मैं आपसे एक चीज बता दूं, गठबंधन की राजनीति 89 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी माननीय अडवाणी जी ने जो शुरू की थी उन्होंने अपना एक अच्छा व्यू लेकर शुरू किया था जब शिवसेना से उन्होंने गठबंधन किया था। आज गठबंधन हुए 30 साल शिवसेना को हो गए, आप देखिए उसके बाद हर राज्य में आज कोई राज्य ऐसा मुझे बता दीजिए एक भी जहाँ गठबंधन सरकारें नहीं चल रही है। अब उन कर्नाटक में क्या था क्या नहीं था ये तो हम भी नहीं थे वहां पे, भाई भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वहां रहते हैं क्योंकि इनको सरकार बनानी होती है तो इनको दुख दिखाई पड़ जाते हैं, इनको जहाँ मुख्यमंत्री बनाना होता है। आज देश में एक नदी हमारी है गंगा नदी, जहाँ सबके पास जब डुबकी लगाई सबके पास धुल जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने को उस नदी के लेवल में लाने की कोशिश कर रही है कि उस नदी में आइए और अपने पाप धुलवा लीजिए, किसी में कोई आरोप हो कुछ भी हो भाजपा में आ जाओ और तुम्हारे सब माफ हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, गठबंधन सरकारें चलती है और अभी देखिएगा हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके सरकार बनाने जा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं बनाते, जल्दबाजी अहंकारी आपकी छवि जो है पूरी तरह से बदलने जा रही है, आप एनसीपी कांग्रेस जो कि सो कॉल्ड सबसे ज्यादा सेकुलर पार्टियां मानी जाती है देश की उसके साथ मिलकर आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप अपनी पार्टी के नाम में भी कोई चेंज करेंगे, शिवसेना ही रहेगा या कुछ नाम स्वरूप उसका बदलेगा?
मुझे एक चीज बता दीजिए आप कि कांग्रेस एनसीपी राष्ट्र उनमें राष्ट्रप्रेम नहीं है क्या? क्या राष्ट्रप्रेम नहीं है? जब बिना राष्ट्रप्रेम वाली पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर लेती है तब आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। हम तो अपनी विचारधारा नहीं छोड़ रहे हैं। हम तो माननीय बाला साहब ठाकरे से मैं पर्सनली कम से कम 10-20 बार मिला हूँ। खुल के विरोध करा करते थे कांग्रेस का। मेरी सुन लीजिए यार, सुन लीजिए ना। तो आप भी बोलिए, मैं भी बोलता रहूँ, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। हम भी बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय बाला साहब ठाकरे से मैं भी पर्सनली मिला और उनकी विचारधारा हम लोग सुनते थे, जानते थे। उनके अंदर बहुत अच्छी चीज थी। उन्होंने कहा हमारे पास जो आता है वो अगर कहता है मैं मंत्री बनना चाहता तो मैं जा भैया मंत्री बन। दूसरी चीज कहते थे कि अगर हम समाज में 80% जन सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे और 20% राजनीति करेंगे। आपको याद होगा 1966 में सरकार बनी थी, सूचना बना था, लेकिन उन्होंने 16-17 साल बाद पहला मुंबई महानगर का चुनाव लड़ा। तो वो कह रहे थे अगर चुनाव लड़ने की जरूरत समाज के लिए है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, तो हमारा शिक्षण सभासद बने, विधायक बने, मंत्री बने, और अगर मुख्यमंत्री बन के सेवा करने की जरूरत है, आज महाराष्ट्र में एक शिवसैनिक के मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता है, बनके वो सेवा करके दिखाएगा कि ठाकरे परिवार के सिद्धांत। अनिल मिश्रा जी आपसे एक सवाल करना, संजय द्विवेदी जी, अनिल मिश्रा एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, सवाल सुन लीजिए। अगर पहले संजय जी, मैं अनिल मिश्र बोल रहा हूं, पत्रकार हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह भाजपा एक टाइम, एक दौर ऐसा भी आया था जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, जिस तरह आज आपने अपनी सारी विचारधारा सिद्धांतों को एक ताक पर रखते हुए अपनी उलट विचारधारा पार्टी के लोगों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक इसी तरह बीजेपी ने भी जम्मू कश्मीर में किया था और यह कहा था कि हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर सुधारने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन ठीक 3 साल बाद उन्होंने जिस तरह बोला कि हमारे साथ धोखा हुआ और वो बैकफुट पर आ गए, क्या आपको 6-8 महीने बाद ऐसी तस्वीर नजर तो नहीं आ रही? कहीं सत्ता लोलुपता में आप कुछ ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहे हैं? मैं आपकी बात पूरी कर दूं, मैं आपकी बात की जवाब दे दूं। देखिए ऐसा ना, उन जब पीडीपी सरकार बनी तो जैसे उन्होंने हरियाणा सरकार बनाई अचानक, वैसे उन्होंने पीडीपी से अचानक सरकार बना ली। आप सुनिए मेरी बात, हमने जो इतना समय लगा हमको आज सरकार बनाने में, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, साहब आप सरकार क्यों देर क्यों बनाई आपने, क्यों आप मंथन कर रहे थे? हम पूरा मंथन कर रहे थे। हमारे वचननामा अलग है, उनका वचननामा होना पता अलग है। संजय जी, इसी तरह भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के साथ बड़ी विचारधारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ कश्मीर में सरकार बनाई थी। आप ये देखें कि कहीं आप दोनों मेहमानों को रोकूंगा। रेशमा पटेल एनसीपी की नेता है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, उनका रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। रेशमा जी बताइए कि दरअसल सरकार बनाने आप जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद आप दावा भी पेश कर देंगे और हमारी जो हेडिंग है प्रोग्राम की वो ये है कि पवार प्लस पवार बन गई सरकार। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि पवार प्लस पवार या माइनस पवार, यानी कि अजीत पवार साहब आपकी सरकार में होंगे या अब उन्हें दरकिनार किया जाएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए अजीत पवार जी हमारी सरकार में होंगे या नहीं होंगे वो बात से इतनी महत्व नहीं है जितनी आज लोकतंत्र की जीत हुई है। आज वो भारतीय जनता के गाल पे इतना बड़ा तमाचा कोर्ट ने तो मारा था और हालांकि परिस्थितियों ने भी मार दिया है। तो यहाँ पे खुशी की बात एक ही है कि महाराष्ट्र की जनता को स्थिर सरकार मिलेगी। बाद में फैसला लिया जाएगा, वो शरद पवार जी फैसला करेंगे, वो मौड़ी मंत्र फैसला करेगा कि अजीत पवार दादा को क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल हम उसके लिए कुछ बोलना भी नहीं चाहते। इतना जरूर बताना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र की जनता के मैंडेट के बाद जिसने खिलवाड़ किया वो भारतीय जनता पार्टी आज मुंह के बल गिरी है और सबके लिए पूरे देश के लिए बहुत अच्छा संदेश आया। संविधान का जो बड़ा दिन है उस दिन पे हमें पूरा एक यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं आज भी संविधान जिंदा है, आज भी उसको उसकी रक्षा करने वाले, उसके तथ्यों को समझने वाले जिंदा है। अच्छा अनिल मिश्रा जी, अब आगे की तस्वीरें मुझे जरा बताइए कि आगे क्या कुछ होगा। अब जैसा कि उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि अब ये 5 साल की नहीं, ये 50 साल की सरकार है। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ लड़ते हुए वो अपनी सीटों को कम करते चले गए, 116 सीटों पर शायद उन्होंने चुनाव लड़ा था। बिल्कुल सही। अब आगे अगर इसी तरीके से वो चलते हैं तो आगे क्या 65-70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना? एनसीपी की सीटें भी कम हो जाएंगी। ये गठबंधन चलता रहा तो फिर किस तरीके से आगे का परिदृश्य नजर आता है आप?
जी निश्चित रूप से देखिए, यहाँ जो समीकरण बदले हैं, एक तो मैं एक सेकंड बोलना चाहूंगा, जैसा भी विपिन जी बोल रहे थे, इन्होंने जो अपनी विचारधारा रखी कहीं ना कहीं पार्टी और चलती सरकार की राजनीति की बात रखी थी। मैंने जो शुरू में बोला था वो किसी राजनीतिक क्रियाकलाप को लेकर नहीं बोला था, बड़ा निष्पक्ष होकर एक जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी उस पर बोला था। मैंने नहीं बोला था कांग्रेस सही है या भाजपा सही है, लेकिन अध्याय 1975 से लेकर 77 का भी वर्णन कर देते, सबको काला अध्याय आपने ये तीन गिना दी, बहुत अच्छी बात। विपिन जी मैंने सबको समझाया था, विषम परिस्थितियों में जब समता लाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों पहलू होते हैं, वो पॉजिटिव भी जा सकता है, निगेटिव भी जा सकता है। पिछले 4 दिनों नहीं, पिछले 24 दिनों में महाराष्ट्र में राजनीति का जो एक माहौल पैदा हुआ, और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 24 दिन का माहौल नहीं है। अगर आप देखें तो 2014 के बाद से शिवसेना ने जिस तरह से अपना रवैया बदला है, अपना पथ बदला है, रास्ता बदला है, जो कि धीरे धीरे बदल रहा था, आज वो खुलकर सामने आया है। अब ये भविष्य का गर्त कहां जाएगा ये मैं निश्चित तौर पर मैं नहीं समझता, कोई कर सकता, लेकिन हाँ निश्चित रूप से अभी अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक तीनों पार्टियों की चूंकि गर्ज है, तीनों पार्टियां विपक्ष में बहुत सालों से रह रही हैं, उनको सत्ता की जरूरत है। राजनीति में आप समझते हैं सत्ता का क्या मतलब होता है, साम दाम दंड भेद सब इनको इकट्ठा करना है, सबके खजाने खाली है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपस में एक समझौता करके एक गाड़ी को खींचने का प्यास करेंगे। अब ये भविष्य बताएगा। बीजेपी का रिएक्शन लेना भी बड़ा जरूरी है। बीजेपी का एक मिनट, संदीप दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप दुबे जी, बताइए कि दरअसल 170 का हमारे पास पूरा मैंडेट है, हमारी ही सरकार बनेगी, ये कहना था आपके मुख्यमंत्री साहब फडणवीस का, और आज वो कहते नजर आए कि हमारे पास संख्या बल नहीं था और हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए अब मैं अपने पद से इस्तीफे देने जा रहा हूं। तो जब वो 170 की गिनती की बात कर रहे थे तो वाकई उस वक्त वो हॉर्स ट्रेडिंग करने जा रहे थे? आज उन्होंने कहा कि नहीं, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते थे इसलिए हमारे पास संख्या बल, मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दोनों स्टेटमेंट, कि 170 जब उन्होंने कहा तो वाकई आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे उस टाइम। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है साहब कि हमारे मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, और जब बहुमत हमारे पास अभी नहीं है तो हमने इस्तीफा दिया है, उस समय बिल्कुल सही थे क्योंकि हमारे पास बहुमत है। देखिए क्या होता है, आजकल राजनीति का एक प्रचलन है और उस प्रचलन का इस्तेमाल एनसीपी के नेताजी ने किया, उन्होंने वो उस समय नेता थे अपनी पार्टी का, उन्होंने एक समर्थन पत्र दिया कि मैं सरकार बनाने में आपका सहयोग करना चाहता हूँ, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आप सरकार बनाने में सहयोग करना चाहते हैं तो हम सरकार बना लेते हैं, हमने सरकार बनाई। देखिए वहां दिक्कत क्या है और क्या ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई है, इस पे सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी, हमने तो पहले भी कहा था कि सरकार हमसे नहीं बनती है, दोबारा एनसीपी हमारे साथ आ गई, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस को जो इतना वक्त लगा, बार बार एनसीपी को क्यों बीच में ला रहे हो सर जी, आप बार बार क्यों? मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं, जब आप बोल रही थी तो मैं चुप था, जरा सुन लीजिए कहीं करोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा, न कोई विचार आपका, न कोई शरीर आपका, न सोच आपका, न ये कोई पॉलिसी, कोई मुद्दा भी नहीं, एक मुद्दा बताइए जिस मुद्दे पे आपने तीनों लोगों ने समर्थन एक दूसरे के साथ किया है, एक ही मुद्दा है, किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में, कौन से मामले को लेकर संदीप जी आपने समझौता किया था? राहुल जी ये उनकी बात कर रहे हो, एक सेकंड मैं ये कह रहा हूं, बात का जवाब हम तुरंत दे देंगे राहुल जी, बात का जवाब है, आप जम्मू मत चले जाइए, मैं जम्मू नहीं, मैं गोवा भी जाऊंगा, मैं अरुणाचल भी जाऊंगा, मैं उत्तराखंड भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, एक बार आपके साथ बैठ चुके हैं, आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है बताइए महाराष्ट्र की जनता के साथ ये धोखा है या नहीं है? जनता को पहले, आपको अगर इतनी गाड़ी थी, इतना ही सब कुछ था तो चुनाव लड़ते, जनता के बीच जाते, आप जब चुनाव साथ मिलके भी लड़े तो कांग्रेस को तो वहां की जनता ने मैंडेट नहीं दी। मैं एक जगह शरद पवार जी की ईमानदारी की दाद देता हूं, वो कहते हैं कुलदीप जी महाराष्ट्र के अंदर कुलदीप जी देखिए बैठने का सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो अधिकार नहीं मिला, तो आप कमाल की बात है, चर्चा जो बात में जो तथ्य है चर्चा हम करी जा रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा पार्टी कौन सी उभरी आगे आके वोट किसको मिले,
और उसी पे सवाल है निशान, वो बात सही है। अरे भाई वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, अरे वो बात नहीं कर रहे। राष्ट्रपति शासन जनता ने जिम्मेवारी उसी पर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिम्मेवारियों को पूरा नहीं किया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं। अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा। कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हारता नहीं है। अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, मेरा सवाल आपसे यह है, शिवसेना को लेकर जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे शर्मा साहब की 2014 में शिवसेना जो जीती उसमें मोदी फैक्टर जो था बहुत बड़ा फैक्टर था। मैं ये जानना चाहता हूं, शिवसेना के पास वक्त बहुत कम बचा था, या तो शिवसेना कांग्रेस बीजेपी के साथ रहते रहते अपना पूरा बेस जो है वो खत्म कर लेती, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि शिवसेना के ज्यादातर जो विधायक जीते हैं वो बीजेपी का सपोर्ट बेस ही था। शिवसेना को ऐसा लगता था कि 2014 के बाद 2019 तक की सरकार चली, कोई बहुत बड़े मंत्रालय उन्हें नहीं मिले थे, और अपने आप को वो सिद्ध करने या अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो कुछ करना चाहते थे वो कोशिशें वो नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि उनकी नियति जो है 5 साल और बीजेपी के साथ गए बिना मुख्यमंत्री के तो हम वैसे ही बर्बाद हैं, हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे, और यही वजह थी बड़ी कि अब किसी के साथ भी जाया जाए, मुख्यमंत्री बना जाए, अपने वोट बैंक को या वोट बेस को बढ़ाया जाए। ये थोड़ा मसला था शिवसेना के साथ जिसको बीजेपी नहीं समझ पाई। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो अभी गवर्नमेंट, ये महाविकास अघाड़ी जो बनने जा रही है, जो इन तीन ग्रुप्स का, तीनों की एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, तीनों के डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, और तीनों की अलग तरह की पॉलिटिक्स है पूरे महाराष्ट्र में। बीजेपी और शिवसेना के अलायंस की बात करते हैं तो बीजेपी और शिवसेना जो आइडियोलॉजिकल जो इनके शेयर करते थे थॉट्स, वो दोनों थॉट्स एक थे। तो अगर आइडियोलॉजी की बात करें हम, तो वो भी हिंदुओं के सपोर्ट में काम करती थी और शिवसेना भी हिंदुओं, दोनों का जो बेस था, इंडिविजुअली अगर लड़ते तो दोनों को शायद इतना वोट का प्रतिशत इस लेवल का नहीं होता, दोनों को नुकसान होता। तो दोनों ने एक दूसरे को सप्लीमेंट किया वहां के, अगर आप वहां के पॉलिटिक्स की तासीर समझें तो। अब काफी देर से सुन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में आप देखिए, ऑल ऑफ ए सडन प्रेसिडेंट अपने आर्टिकल 356 जो वहां इंप्लीमेंट करते हैं, ऑल ऑफ ए सडन सुबह के 5 बजे उसको रिवोक करते हैं, वो भी रूल 12 जो बिजनेस रूल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो पावर्स देते हैं उन पावर्स को इमरजेंसी की स्थिति में। तो एक सवाल ये नहीं है कि पावर्स के और डिस्क्रिशनरी रिलीफ की, सवाल यहां पर है कि किस समय हम किस पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइमिंग का एक सवाल है। दूसरा, ऑल ऑफ ए सडन एक पार्टी अपना बहुमत देती है, उसके पहले प्रेसिडेंट रूल वहां पर इंप्लीमेंट हो जाता है और तुरंत शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में आती है और उसकी पिटीशन इनफ्रैक्चुअस करके, मतलब जैसे ही वहां पर पिटीशन डालते हैं तब तक प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर देते हैं, 24 घंटे का टाइम भी पूरा नहीं होता है, यह दूसरा पार्ट है। तीसरा, आज सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें, यह सिर्फ वर्डिक्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि पॉलिटिक्स में करप्शन को अवॉइड करने के लिए और डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सस्टेन करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि फ्लोर टेस्ट जो अल्टीमेट टेस्ट है वहां पर, वो 24 घंटे के ना 27 तारीख को 5 बजे तक करवाया जाए और एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाए और उसका डिस्क्रिशन भी हम गवर्नर को देते हैं, वहां भी उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा हम हाउस के वर्डिक्ट को पूरी तरह से सम्मान देते हैं, लेकिन वो हाउस का जो वर्डिक्ट है दैट शुड बी एक्सरसाइज रीजनेबल एंड फेयर मैनर। तो जहां अगर सुप्रीम कोर्ट को समय समय पर बार बार आते हैं, अच्छा कर्नाटका को आप महाराष्ट्र से कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है कर्नाटका और महाराष्ट्र। यहां 23 तारीख को जब दोनों लोग, अजीत पवार उस समय वहां के विधायक दल के नेता थे, और जो लेटर लेकर वो गवर्नर के पास पहुंचे उस लेटर में ये नहीं लिखा गया था कि वो विधायक दल के नेता की हैसियत से लेटर आ रहे, वो शिवसेना कांग्रेस और इसके एनसीपी के अलायंस के लिए बने, वहां सिर्फ लिखा था लेटर ऑफ सपोर्ट। वो लेटर ऑफ सपोर्ट के साथ अगर फडणवीस की गवर्नमेंट बनती है तो वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि उस समय विधायक दल का नेता होने के नाते उनके पास पूरी वो अथॉरिटी थी, पूरा वो मैंडेट था। बाद के जो सर्कमस्टांसेस हैं, बाद के सर्कमस्टांसेस में अजीत पवार जैसे ही रिजाइन करते हैं तो यह समझ में आ जाता है कि विधायक दल के नेता वो नहीं रहे, और नहीं रहे इसलिए इनकी सरकार अल्पमत में आ गई। अल्पमत में आते ही उनके पास जो कल फ्लोर टेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं फडणवीस, वो मेजॉरिटी प्रूव कर पाते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस कि नहीं, ऐसा नहीं हो। बस एक बात जोड़ना चाहूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चर्चा जारी है। ये बताइए कि दरअसल संजय राउत साहब जिस तरीके से जब अजीत पवार साहब ने अपना समर्थन दे दिया था उस तरीके से उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्होंने छुरा घोंपने का काम किया है, और आज बड़े ही वो खुश हैं
और ये कह रहे हैं कि दरअसल वो आ गए हैं वापस, उनके खेमे में आ गए हैं वापस और अब उनकी सरकार बनने जा रही है। दोनों के जवाब चाहिए, संजय राउत का ये मिजाज और साथ ही साथ अजीत पवार का अब क्या रोल होने वाला है सरकार में, रोल होगा भी या नहीं होगा, और नहीं होगा तो एक बार फिर से दो फाड़ होने की एनसीपी की स्थिति आ सकती है बीच में। देखिए सबसे पहले तो जो पूरा घटनाक्रम है अजीत पवार और शरद पवार के मामले में, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी से गड़बड़ी हुई कि उन्होंने अजीत पवार जैसे व्यक्ति पे उन्होंने भरोसा किया। पार्टी में पूरी तरह से जो नेतृत्व और पूरी शक्ति शक्ति का केंद्र था वो शक्ति केंद्र जो है कि वो शरद पवार थे और अजीत पवार को शक्ति केंद्र समझकर ही भूल हुई। चूंकि आज हम लोगों ने देखा कि पहले अजीत पवार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कुलदीप जी आज जब हम लोग संविधान सभा के दिवस के दिन हैं, ऐसे में हम लोग को ध्यान आकर्षण रखना पड़ेगा कि जो भारतीय न्यायपालिका है वही एक तरह से यहाँ पे उन्होंने संविधान के संरक्षण का एक कार्य किया है इस जगह पे। क्योंकि देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, पूर्व में कांग्रेस ने भी एक तरह से संवैधानिक शक्तियों का, केंद्र के शक्तियों का, राज्यपाल के पदों का भरपूर रूप से दुरुपयोग किया और उसी परंपरा को बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी दुरुपयोग किया। अगर हम लोग इनके कार्यकाल को देखते हैं, मैं आ रहा हूँ आपके उत्तर के ऊपर भी, चाहे देखिए उत्तराखंड में भी इन्होंने निर्णय लिया राष्ट्रपति शासन के लगाने को, नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से इनको रोक लगा, अरुणाचल प्रदेश में इनको सुप्रीम कोर्ट से इनको रिटर्न होना पड़ा। आज यहाँ पे बातें हो रही है विचारधारा का, विचारधारा भारतीय राजनीति में विचारधारा दिख कहाँ रहा है? हम लोग तो आदर्श खोज रहे हैं लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि गोवा में दो विधायकों के साथ साथ पूरे के पूरे कांग्रेस को जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात करके फिर वहां पर सरकार बना दी। तो इसलिए हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के उदाहरण को भी देखा है। तो ऐसे में विचारधारा नहीं बचा हुआ है, पार्टियां येन केन प्रकारण सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं। मैं खाली एक लाइन का संविधान दिवस के दिन, संविधान दिवस के दिन आप आदर्शों को सामने रखना चाहते हैं, अच्छी बात भी है, जनता भी जाने, लेकिन अब महाराष्ट्र की स्थिति क्या होने वाली है वो मैं समझने, महाराष्ट्र की स्थिति में देखिए समझ लीजिए, शरद पवार के फैमिली में कोई अभी से विवाद नहीं था। शरद पवार के फैमिली में 2004 से आपसी तौर पर इन लोगों में कहीं कहीं चीज चल रहा था कि वहां पे आगे उत्तराधिकार सुप्रिया सुले के पास जाए या आगे आगे उत्तराधिकार जो है वो अजीत पवार के पास जाए। इस पूरे मामले में शरद पवार ने एक तीर से कई तीर शिकार कर लिए हैं, ये हम लोग को मानना चाहिए। उन्होंने एक तरह से देखिए कहीं ना कहीं सरकार में भूमिका रहेगी, पार्टी में भी भूमिका रहेगी, लेकिन अजीत पवार को जो पूरा अजय हमसे जो कांग्रेस और शिवसेना का जो गठबंधन, हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है संदीप जी, मैं उसके ऊपर हूँ, उसी को ये फॉर्मूला बनाएंगे जैसे। नहीं नहीं मैं कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ, मैं फॉर्मूला क्यों बनाऊंगा। संदीप जी आप भी बताइए, संदीप जी एक सेकंड में आपने जो पूछा था मैं जवाब कर दूं। इस तरीके से कहीं कहीं अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य जो पहले था वो जरूर इसके बाद डाउनग्रेड होगा, लेकिन जो इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम घटी, कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों हो गया और सरकार बनानी थी। अब ये बताइए कि अगर उस दिन रात तक में बयान दिया गया था, इतने तीव्र गति से राहुल, मैं ये समझना चाहता हूं सरकार कैसे चलेगी, जैसे डामाडोल सरकार की बातें कर रहा है ना विपक्ष और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, मैं ये समझना चाहता हूं कि अब अजीत पवार साहब का क्या रोल होगा। फैमिली जो फील्ड है वो पहले से चल रहा था, अजीत पवार की भूमिका कम होगी, जितनी भूमिका इस घटनाक्रम में अगर वो ना होते तो भूमिका भी कमजोर होगी ना, बिल्कुल कमजोर। अगर एनसीपी कमजोर होगी तो सरकार जो बनाने का श्रेय जा रहा है एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार साहब को जा रहा है, एनसीपी कमजोर होगी तो सरकार का फ्यूचर, सरकार का फ्यूचर निकाल रहे हैं कुलदीप जी, हम लोग गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। एनसीपी में अभी भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, एनसीपी अजीत पवार के ऊपर निर्भर नहीं है, एनसीपी शरद पवार के ऊपर निर्भर है, इसमें हम लोग निष्कर्ष ही गलत है। अगर अजीत पवार कमजोर हो गए तो पूरा का पूरा एनसीपी कमजोर होगा, ये निष्कर्ष सही नहीं है हम लोगों का। हाँ जी बिल्कुल, मैं देखिए इसमें दो बातें जोड़ना चाहूंगा, पहली बात कि 1978 में क्या हुआ था वो भी भूलना नहीं चाहिए, उसको भी आप उसका संज्ञान लें कि किस तरह से, मैं आपकी बात सर, मैं आपके समय में बोला, मेरी पूरा घटनाक्रम मैंने रखा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसा है कि 1978 में क्या हुआ था, जब 38 आयु के थे शरद पवार और किस तरह से वसंत दादा पाटिल की सरकार को गिराया, उसके बाद 1990 में क्या हुआ वो भी सबके सामने, छगन भुजबल ने कैसे करा था शिवसेना का हाल, और आज अगर देखिए फिर वही वाली बात है, अगर पहले दाव पे जो सीखे थे गुरु से अजीत पवार ने, आज समीकरण बदले हैं, समीकरण अभी दोबारा बदलेंगे, क्योंकि मेरा अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछे तो मेरा यह मानना है कि कर्नाटक से बड़ा नाटक अभी यहां पर महाराष्ट्र में होगा, तूफान अभी थमा नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। दूसरी बात देखिए, यह संदेश क्या जाएगा, ये जो अभी यहां महाराष्ट्र में हुआ है ये पूरे देश में जब भी सरकारें बनेंगी, चुनाव होंगे, उसके बाद परिणाम आएंगे और पूर्ण बहुमत किसी सरकार को ना मिले और यहां
साठ गांठ से सरकार बनने की नौबत आए तो इसी तरह से होंगे। संजय द्विवेदी जी, अपनी मनमानी करेंगे सरकार में, आने वाली सरकार में बड़ा झोल होने वाला है ऐसा कहना है शर्मा जी का। और यह समझ भी आता है, अगर चाचा इतना हुनर रखते हैं तो भतीजे भी कम हुनर तो नहीं रखते होंगे। डिप्टी सीएम की तो वो शपथ ले आए थे, इस बार 80 घंटे के रहे वो डिप्टी सीएम, लेकिन आगे वो अपनी खोजबीन जारी रखेंगे। यानी कि आपकी सरकार कितनी स्टेबल रहेगी, इस पे प्रश्न चिन्ह साफ तौर पर खड़ा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्ची लग रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक। हम तो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे, अच्छी सरकार चलाए, हमने इस्तीफा हमारे मुख्यमंत्री ने दे दिया, हम तो कह भी नहीं रहे हमें मिर्ची नहीं लग रही, हम तो आपको प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम से अब महाराज की जन आने दीजिए, आप खरा उतरे। शिवसेना टूट रही है, कांग्रेस टूट रही है, एनसीपी टूट रही है, आपके आपके नाराज जी का वीडियो क्लिप देख लीजिए, मतलब ये सब कहने के संसद काकड़ कह रहे हैं शिवसेना टूट रही है, आपका शिव सैनिक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और अभी आपने 56 सीटें जीती थी, आगे किस तरीके से अपना वोट बैंक आप बढ़ाएंगे इन तीन पार्टियों के समावेश के साथ, जब आप आगे बढ़ेंगे तो कैसे वोट बैंक को आगे बढ़ाएंगे, और 56 के बाद अगली सरकार या अगले कार्यकाल में आपका क्या टारगेट रहेगा, 100 से ऊपर जाना चाहेंगे आप, शरद पवार आपको इससे इजाजत देंगे इसके? पहले मेरी बात आप समझ लें, देखिए ऐसा है कि अभी तुम लोग 5 साल जो है महाराष्ट्र की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं दिया गया, जो कार्य नहीं किए गए, लेकिन बीजेपी को सुनिए तो सही, बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए आपको हिंदुत्व का एजेंडा और तीखा करना पड़ेगा, आपको हिंदुत्व का एजेंडा और पैना करना पड़ेगा, और वो कांग्रेस और शरद पवार साहब आपको करने नहीं देंगे। पार्टी के नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा कहते थे कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे, आज देखिए क्या हुआ, 3 राज्यों की दोबारा सरकार आई, इनकी जानकी सरकारें थी, आज हरियाणा में क्या हुआ, संजय साहब इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए, 2019 में महागठबंधन का क्या हुआ था, कैसे बिखर गया महागठबंधन, चुनावों के बाद ही परिणाम के बाद बुआ भतीजा सारे अलग हो गए, बंधन टूट गए महागठबंधन के, क्या हुआ था, झूठा महागठबंधन का क्या हुआ था, चलिए उत्तर दे दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ 2019 में निकलेगा, अभी ज्यादा दूर नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का बंधन एनडीए से बहुत लोग यही इसी बात का दुख है कि कम से कम शिवसेना ने ऐसा क्यों किया। संजय साहब बड़ा मेरा तो बड़ा साधारण सा सवाल है, संजय साहब एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए, वो दूसरे संजय जी के बजाय अपना बेहतर मेरा एक सवाल सुन लीजिए संजय साहब, अगर आप अब सरकार में आने के बाद अपने हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और मजबूत करेगी, और अगर आप हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम रहते हैं तो फिर आप कैसे टिके रहेंगे, फिर शरद पवार साहब कांग्रेस आपको जीने थोड़ी देगी। हाँ मेरी बात सुनिए, तो एनडीए में शिवसेना के अलावा कितने लोग हिंदुत्व मानते हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा आपको, आप इन्होंने निकाल दिए एनडीए से, हिंदुत्व के मुद्दे निकाल दिए, आप संजय जी बस बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपको बधाई शुभकामनाएं, तो मुझे लगता है कि शिवसेना ने भी मोदी जी की तरह जो सबका साथ सबका विकास था उसके आगे जो सबका विश्वास जोड़ा है, तो मुझे लगता है शायद आप भी उस राह पर चल पड़े हैं, आप मेरा क्वेश्चन का अर्थ समझ रहे होंगे। मैं छोटा जवाब दे दूंगा आपको, छोटे जवाब दूंगा मैं, आप बताइए विचारधारा सिद्धांत से बड़ा देश होता है प्रदेश होता है, हम तो समझते हैं देश बड़ा होता है प्रदेश बड़ा होता है, विचारधारा अगर आज एक बार जो कह रहे थे ना कि सरकार कैसे चलेगी, सरकार ऐसे चलेगी कि आज तीनों पार्टियों का एक मकसद है, एक काम है कि महाराष्ट्र का विकास कैसे हो, मैं कह विकास का कोई एक एजेंडा बता दीजिए जिससे महाराष्ट्र साहब विकास की तो कोई परवाह नहीं कर रहा, आम आदमी की तो किसी को परवाह नहीं है, कोई भी सरकार हो किसी को भी परवाह नहीं है, छलावा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बता रहे हैं कि विलंब क्यों हुआ, बैठकों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चल रहे हैं, मुंबई में पानी के निकासी की किसी ने समाधान दिया नहीं, बारिश होती है और मुंबई पूरी ठप हो जाती है, पटना में हुआ पूरा देश का कोई भी रही हो, सभी की बात कर रहा हूँ, शायद मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सारी किसी दृष्टिकोण से सोचिए साहब, आम आदमी ने कितना विश्वास जताया आप लोगों पर, माननीय सोनिया गांधी सांसद है कि नहीं ये मुझे बताइए पहले, आप सोनिया गांधी सांसद है कि नहीं,
सांसद होने के नाते वो प्रधानमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, लेकिन उन्होंने देर से प्रधानमंत्री का छोड़ दिया। चलिए आप पर लौटते हैं, आप पर लौटते हैं संजय द्विवेदी साहब, मैं रुक करता हूं संदीप दुबे जी का। संजय द्विवेदी जी रुकिए, संजीव दुबे जी जितनी भी बातें चल रही हैं इन बातों को आप साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन अब आप बताइए, आप थोड़ा हकीकत के मैदान में आइए। आप झारखंड से गए, आप मध्य प्रदेश से गए, आप छत्तीसगढ़ से गए और महाराष्ट्र जैसा बड़ा सूबा और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, ये भी अब आपके हाथ से गई। मुझे ये बताइए कि शरद पवार साहब को तो सारे कह रहे थे कि वो संभालेंगे स्थितियां, वो इतने परिपक्व हैं, इतने ज्ञानी हैं, लेकिन आपके बीजेपी अध्यक्ष साहब को भी तो चाणक्य कहा जाता है, ये चाणक्य नीति क्यों नहीं चल पा रही? चाणक्य नीति नहीं चली है? ये भी मेरे को बताइए कि केंद्र में तो सरकार बनाने के लिए लोग वोट खुलकर कर दे रहे हैं, लेकिन राज्यों में नहीं कर पा रहे। आपकी राज्य सरकारों की लगातार विफलता का ठीकरा अब कहीं आपके केंद्रीय नेतृत्व पर ना पड़े। देखिए, हमें लगता है कि हम लोग इसको दूसरे अर्थ में ले रहे हैं, इस भाव को। ये तो एक युद्ध है और महाभारत की तरह है, जो अच्छे लोग हैं वो एक तरफ हैं, एक बुरी शक्तियां अलग हैं, तो बुराई से लड़ी जा रही है और जो जिधर जाना चाहे जा सकता है। ये तो एक धर्म युद्ध है और मुझे लगता है आने वाले समय में आप देखेंगे जनता का विश्वास हमारी सरकार में था, है और रहेगा। अगर आप इजाजत दें, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि आप जिस आदर्शवादिता, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, जिसकी कसमें खाते हैं, जिस अजीत पवार के साथ आपने शपथ ली पूरे चुनाव में, ज्यादा नहीं 20 दिन पहले, फडणवीस शायद ही कोई ऐसी चुनाव सभा रहा हो जिसमें उनका नाम लेके चक्की पीसिंग और जेल भेजने का प्रायोरिटी। मैं एक ही बात कहूंगा, रावण वध के लिए विभीषण की जरूरत थी कि नहीं सीताराम को? रावण वध के लिए कौन सी राजनीति की जरूरत था? आप प्रदर्शन कर रहे थे, इस तरह का भी प्रस्तुतियां आता है, खोज पाए इस तरह काम करना भाई, रावण वध करना था, हम सही विभीषण को ढूंढ लेते कम से कम। सर ये सर सुन लीजिए, हम साफ एक ही बात कह रहे हैं, ये जो भी चीजें हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, मैं साधुवाद दे रहा हूँ कि शिवसेना अब 5 साल बेहतर काम करे और वहाँ सरकार चलाए, इन तीनों पार्टी मिलकर बेहतर महाराष्ट्र को सरकार दे। आप हार या गलती मानते हैं कि नहीं मानते? साधुवाद, अरे हम कह तो रहे हैं, अगर कोई गलती भी होगी तो उसको आगे सुधारेंगे, हम ये मौका नहीं देंगे। गलतियों से भी सीखते हैं, घमंड नहीं है, हम ही प्रफुल्ल हैं, ये नहीं है, लेकिन हम बेहतर। मैं एक सवाल पहले अश्विनी दुबे जी से, अश्विनी दुबे जी आप मेरे को ये बताइए कि दरअसल आप छोटे राज्यों में भले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बना रही हो, लेकिन लगातार देख रहे हैं बड़े बड़े राज्यों से, और अभी 1.5-2 साल पहले की बात है, 70-80% से ज्यादा जो मैप में इलाका दिखता है वो बीजेपी शासित इलाका दिखता है, और अब बिल्कुल जो भगवा रंग है बिल्कुल गायब होता जा रहा है। वहीं इसी साल हम देखें तो इतना बड़ा मैंडेट मिलता है, 2014 के मुकाबले 2019 में केंद्र सरकार को उससे बड़ा मैंडेट मिलता है। तो ये मानकर चलें कि चाणक्य साहब केंद्र की नीतियों में तो ठीक उतर रहे हैं, लेकिन जिनको नेतृत्व वो सौंप रहे हैं वो उतने ज्यादा महारत हासिल मतलब रखते नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र शिवराज सिंह चौहान हो गए, वसुंधरा राजे हो गई, इतने बड़े राज्य उन्होंने गवाए हैं, इस पर सवालिया निशान तो खड़े होने चाहिए। कुलदीप भाई बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया अपने, आपने ऑपरेशन कमला के बारे में सुना या नहीं सुना? जो अभी ऑपरेशन कमला चल रहा है मध्य प्रदेश में और बाकी जगहों पर जो लोग चला रहे हैं, जैसे वहां पर रिस्टोर करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट, सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ है कि पूरी बीजेपी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के ऊपर टिकी हुई है। इनके जो कैंडिडेट्स, आप मिनिस्टर से किसी से भी जाकर के पूछिए, किसी मिनिस्टर को इंडिविजुअली, नितिन गडकरी जी को छोड़ दीजिए, तो डिसीजन लेने के राइट से नितिन गडकरी जी ने पब्लिक इंटरेस्ट में एक डिसीजन लिया, डिसीजन ये लिया कि जो मोटर व्हीकल एक्ट में है वो अमेंडमेंट करके जुर्माना बढ़ा दिया जाए, ताकि एक्सीडेंटल डेथ्स को, एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से जो डेथ्स होती है। मैक्सिमम जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां या तो उन्हें आधा कर दिया गया या कम कर दिया गया, उससे यह साबित होता है कि बीजेपी के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो ठीक नहीं है, जो बड़े नेताओं के ऊपर है। दूसरा आप पहलू आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर ही पूरी पार्टी का दारोमदार है। आप इंडिविजुअली किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के देख लीजिए और वहां लोगों से पूछिए, वो लोग जिन्होंने 2014 में मोदी मिराकल के नाम पर वोट दिया, 2019 में भी नाम पर दिया, आज उनसे जाकर के पूछे क्या अपने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए से खुश हैं, तो आपको पता चलेगा कि खुश नहीं है, डिस्पाइट कितने बड़े बड़े डिसीजंस कंट्री के इंटरेस्ट में लिए गए
5 जैसा डिसीजन उसको रिमूव करने का, खत्म करने का लिया गया, 370 को खत्म करने का डिसीजन लिया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को हमने चारों खाने चित्त कर दिया, इंटरनेशनली हम देखें तो बहुत ऊपर बढ़ गए, लेकिन अगर आप वहां देखें तो दो लोगों के अलावा इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैं वो बिल्कुल खरे नहीं थे। उसका रिजल्ट यह है कि ये यहां पर आ रहा है। तो जो भी आप वोट बैंक देख रहे हैं, माफ कीजिएगा जरा एक बार मुझे बोल लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, आपका नंबर आएगा बीच में, कोई मैं आपकी आपको कुछ इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। अब आप इसके पहले भी अगर आप देखें, कुछ महीने पहले इलेक्शन हुए, आप जाके आप जहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उठाकर देख लीजिए, ना तो वहां पर लोगों के बीच में सड़कें हैं, ना किसी को रोजगार मिल पाया है, ना नई इंडस्ट्री बनी है। लोगों को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अगर रिफॉर्म के नाम पर अगर आप बड़े पैमाने पर या तो लोगों को रोजगार नहीं, आप रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जनता को रिफॉर्म्स के अलावा इकोनॉमी में भी बूस्ट चाहिए, जनता को रिफॉर्म्स के अलावा एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, जनता को एजुकेशन पॉलिसी भी पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को भी हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों के अंदर कर भी ले जाते हैं। मैं इन्हीं में जोड़ दे रहा हूँ, इन्हीं में देखिए आप नेशनल स्तर पर लोगों, आप सारे ये सवाल कर लीजिए फिर संदीप दुबे, लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे वोट दिया राष्ट्रीय सुरक्षा तमाम तरह की चीजों को, लेकिन आप जब हरियाणा का भी चुनाव हो रहे हैं जबरन उन्हीं मामलों को यहाँ पे भी दे रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को छोड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ी कमी हो रही है। संदीप जी इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। मैं बस ये बात बोलना चाहूंगा, आपने चाणक्य की बात करी, देखिए नवाब मलिक ने जब अभी ये शह दी थी शरद पवार ने पहले, ये जब सरकार बनी है उसके पहले, तो उसके पहले बोला कि जो 21वीं सदी के चाणक्य हैं उनको शह दे दी हमारे शरद पवार साहब ने, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन देखिए आप एक तरफ चाणक्य जब बोलते हैं तो ये ना भूलें कि एक व्यक्ति एक पद, और अब इस समय गृह मंत्री हैं, तो नड्डा जेपी नड्डा पे सारी जिम्मेदारी है, क्या पता वो भली भांति उसको वो उस तरह से नहीं पूरा कर पा रहे, वो भी एक पहलू है जिसको चर्चा में लाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बखूबी से वो करा करते थे अमित शाह उतना वो ध्यान नहीं, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी और भी मुद्दे हैं काफी। दूसरी तरफ एक तरफ जब सरकार अपनी 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, अपने रिफॉर्म्स की बात कर रही है, इंप्लीमेंटेशन करना है, बिल्कुल सही बात है, आर्थिक मंदी की बात करी दुबे जी ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये ना भूलें, हम बोल रहे हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने आए, बहुत अच्छी बात है, देखिए उसके साथ साथ हमें संज्ञान में लाना पड़ेगा एक बात, एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जितने लोन, ये तो भगोड़े आपको कुछ दिख रहे हैं, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे कई भगोड़े हैं, कई भाई ऐसे कई मुद्दे हैं जो पता ही नहीं है, और जहां जिसने आपकी इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया, आम आदमी का पैसा लेके गए हुए हैं, और किन की सरकारों ने दिया गया, ये भी देखना पड़ रही है। जब और दूसरी बड़ी बात, राज्य सरकार हाथ से निकले मुद्दों पर कोई बात नहीं, नकेल कसी जाती है अंग्रेजी का वो शब्द, लेकिन अब सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, वेंडेटा वेंडेटा वेंडेटा, ठीक है संदीप जी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये बताइए कि आपने क्या जो डिप्टी सीएम बनाए अजीत पवार साहब को, महज 9 केस जो एसीबी से वापस करने थे वो उन्होंने वापस करवाए और फिर वापस वो लौट गए, ये ऐसी गिरी हुई राजनीति, गिरी हुई मतलब उसका नतीजा भी कोई आ जाए तो मान लिया जाए, उसका नतीजा भी नहीं, ये तो ना काबिलियत दिखा रही है आपका राज्य के नेतृत्व, तो चाहे फडणवीस हो 5 साल पूरे कर गए हो, लेकिन यहां पर जो ये जिस तरीके की मानसिकता के साथ राजनीति की गई बड़ी बचकानी नजर आई। नहीं कुलदीप जी देखिए, किसी पे केस चल रहा है उसको विड्रॉ करने का अधिकार इवन स्टेट का नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है, जांच में जो भी है तथ्य उनके ऊपर, वो बात बिल्कुल जायज है, वो बात बिल्कुल जायज है, लेकिन एक विषय और, जिन्हें आप कहते हैं कि नेवर नेवर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, उसे आप गद्दी पे बिठाते हैं, उसे आप गद्दी पे बिठाते हैं फिर वो आपकी गद्दी छोड़ के चला जाता है, आप कितनी बड़ी फजीए तो होती है, बोझ बढ़े हर आदमी कोशिश करेगा, हम बुराई थोड़ी शिवसेना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वो सरकार बना, तो आप कोशिश करते शिवसेना आपका नेचुरल आंसर था, उसे कह देते ठीक है ढाई साल मुख्यमंत्री बन जाए, और बात सुन लीजिए, अगर आपके साथ भ्रष्टाचारी को बिठा के रातों रात बिठा सकते हैं डिप्टी सीएम जी, उसके बाद आपके पास कोई चारा क्या बचता है, जिसे आप आदर्श मानते थे बाला साहब ठाकरे उन्हीं के तो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, आप 2.5 साल के लिए दे देते हुए सीएमशिप। दूसरी बात, हमारे ने कोई सवाल उठाए हमारे सिस्टम को व्यवस्था को लेकर, अगर कोई कमी होगी उसको दूर करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसी विषय है नहीं, संदीप दुबे जी ये मान के चलिए ये जो पूरा स्टंट हुआ है 3 दिन जो आपने गेम खेली, जिस दिन मंत्री पद शपथ ले लिया था वो चाहे गलत लगे तरीका या सही लगे, उस दिन ऐसा लगा था कि आपकी चाणक्य नीति काम कर रही है, आप पे विश्वास जगा था, आप पर विश्वास जगा था, और आपके आपके फडणवीस साहब ने कहा 170 विधायक है हमारे
पास और आज कह रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते थे, यानी कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करते तभी मनोज तिवारी बहुत स्वागत है आपका, अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज तिवारी जी, आप क्या आज पूरा दिन देखा आपने, क्या ड्रामा चला, अजीत पवार साहब लौट आया एनसीपी में, लौट आया नहीं लौट आया इस बात का भी जिक्र नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से, लेकिन आपकी पार्टी अब गठबंधन में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन वो भी आदर्शों से कोसों दूर शिवसेना के साथ आपकी सरकार बनने जा रही है, आगे के नतीजे आपने सोच रखे हैं पहले से? देखिए मैं कुलदीप जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट, सुबह से ही इस चर्चा पर चर्चा महाराष्ट्र के ऊपर चल रही है। मेरा मानना है कि जो हम लोगों ने गठबंधन बनाया है, शुरुआती दौर से ये कांग्रेस कहते आई है कि हमारा हमें जनादेश नहीं मिला है और हमें विपक्ष में बैठना है। दरअसल मामला ये था कि महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में वहां के लोगों को अतिरिक्त भार न पड़े, इसलिए हमें अगर बुलावा आता है सरकार बनाने के लिए तो हम उस पर विचार करेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर विचार करेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक हमारे दुबे साहब ने जो कहा है मैं उनकी बात से इत्तफाक रखता हूं। उन पे भार न पड़े या आपकी स्टेट यूनिट में इतनी खलबली मच जाए कि वो निकल जाए रातों रात? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए भारतीय में तभी तो ठहराया अपने विधायक आपने। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर मुझे देखिए आते ही जो कांग्रेस के लोगों में अकड़न है वो अकड़न हमें नहीं दिखती, अगर मेरे में कोई गलती है राष्ट्रीय परिपेक्ष में कोई व्यक्ति हमारा विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, बिल्कुल स्पष्ट है देश की जनता के सामने। मैं इस बात में कहना चाहता हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसा राज्य बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जनता से जुड़ा हुआ हो, कोई इनके पास ऐसा छत्रप राज्य में नहीं है जो जनता की मूलभूत समस्याओं से परिचय हो या कोई लाठी खाकर राजनीति में आया हो। अनुशा जी, कितनी सच्चाई है इस बात में, वाकई जो ऊपर के स्तर की राजनीति को छोड़ के निचले स्तर की राजनीति हो रही है, उन्हें जनता से कोई सीधा संपर्क उनका है ही नहीं, ऐसा है क्या? बिल्कुल ठीक। देखिए मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं, आज के परिपेक्ष में कह रहे हैं, दो चार स्टेट में इलेक्शन होने के बाद जिस ढंग से मुख्यमंत्री बनाए गए, मैं खुल के बता दे रहा हूं, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी भी उसमें एक हैं, हरियाणा के मनोहर लाल जी हैं, तो इस तरह के जो दो चार नेता बनाए गए तो उसके परिपेक्ष में शायद मैं समझता हूं तिवारी जी का ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि भाजपा के नेताओं का नहीं है। आप अटल जी को याद करिए, आप आडवाणी जी को याद करिए, आप कल्याण सिंह, मतलब पूरी लिस्ट है, मैं आपको एक मिनट बता रहा हूं सर। हाँ ठीक है, आज की बुरा जो देखा मैं चला बुरा न देखा, आज जो एक टीम तैयार हुई है, आज जो शीर्ष नेता के साथ जो भाजपा के कमेटी में बैठा है, उसमें मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं उसकी संख्या बहुतायत है, जिसका भी दुबे जी ने उल्लेख किया कि रातल पर जो सरकार की कमियां दिख रही हैं स्टेट लेवल पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, हरियाणा का इसलिए भाजपा बैठ भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुलनी चाहिए, जीत के नहीं है पास बिहार में, देखिए कांग्रेस वहां झारखंड में चुनाव हो रहा है, जनता ने दिया नहीं, के चुनाव में युद्ध के वहां के सबसे बड़े स्थानीय नेता वो कितने दिन चले गए, राय को बिल्कुल माइनस कर दिया गया, हसीन सपने और वैसे नेता को उनको जिम्मेदारी दी गई है। बताइए ना, ये बताइए कि 44 सीटें हासिल करके महाराष्ट्र में आप सरकार बनाने की कवायद में गए और जिसको बड़ा जनादेश मिला, आपसे दोगुनी से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, वो आखिरी दम तक लड़ना चाहती है, इसमें आपको गलत क्यों नजर नहीं? बिल्कुल आपको अपनी आइडियोलॉजी भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बीजेपी तो अपनी आइडियोलॉजी सैक्रिफाइस नहीं कर रही है। जवाब दे रहा स्वामी रोया, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के परिपेक्ष में मैं शुरुआती दौर से, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों का धोखा हुआ ये कहते आया हूं, हमारे पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को जनादेश नहीं दिया है और हमें विपक्ष में बैठना है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूँ, आप बार बार कह रहे हैं हमें जनादेश मिला है, कांग्रेस हमें जनादेश मिला है, तो आपको शिवसेना के साथ मिलकर, आपको शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने का जनादेश मिला है, आपको नहीं, आपको शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने का जनादेश मिला है, सीट जीतने के बाद की जनता ने आपको जनादेश चिपकने दिया था, सरकार बना रहे हैं ये जनादेश हाथापाई करते रहिए, नहीं बिल्कुल जनादेश जनता ने एक महाराष्ट्र के पार्टी को रोकने के लिए आप सारे लोगों को कर ले रहे हैं, ये जनादेश
एनसीपी ने जाकर उन मुसलमानों से पूछा जिन्होंने उनको वोट दिया था, कांग्रेस ने जाकर पूछा भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सदस्यों को दिया, उनके उनके साथ सदियों तक अपने खून गलाए हैं। चलिए ठीक है सरकार। अच्छा सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा, वक्त लगभग हो चुका है खत्म। तो यहां पवार प्लस पवार अब इनकी बनने जा रही है सरकार, लेकिन चर्चा में यही समझ आया कि दरअसल चर्चा जिस तरीके से कहा कि तीन पहिए हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले ये पहिए हैं, इनमें सफर जो है उबड़ खाबड़ वाला होगा, सुहाना सफर हरगिज नहीं होने वाला। शिवसेना को मुख्यमंत्री तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो मुख्यमंत्री क्या कुमार स्वामी की तरह रोते हुए नजर आएंगे या नहीं होगा ऐसा? अगले 50 साल जो बात कर रहे हैं, 50 सालों तक ये गठबंधन चलेगा, बीजेपी इस दरमियान क्या करेगी? लेकिन कुल मिलाकर आज तक की अगर सियासत की बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहां बचकानी हरकत करते हुए आज फडणवीस के इस्तीफे के साथ सत्ता से बाहर हो गई, और अब एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनने जा रही है, इसमें अब कोई रोड़ा समझ में नहीं आता है। चलिए दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ। नमस्कार। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, अजीत अनंत राव पवार। अजीत दादा ने इस्तीफा दिया है, अजीत दादा हमारे साथ है। हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। डेफिनेटली उद्धव ठाकरे साहब अगले मुख्यमंत्री होंगे।